हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी वट सावित्री पूजा, जो कि मैंने भी व्रत रखा है। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बता दिया था कि मैंने सिर्फ व्रत रखना है क्योंकि मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ। आप लोग को कारण भी मालूम है। सो अभी सारा काम हो चुका है और मैं अभी नहा धो के एकदम रेडी हूँ। बस घर में जैसे नॉर्मल पूजा होता है उस तरीके का मैंने पूजा किया और अभी सिर्फ मैं एक गिलास शरबत पीने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले भी बनाना पड़ेगा, तभी मैं पीऊँगी ना। और आप लोग क्या क्या फल खाते हैं नहीं खाते आप लोग भी ज़रा मुझे बताइएगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं सिर्फ एक ही गिलास मैंने पानी मतलब कि शरबत लिया था, वो भी 11 बज रहे थे इस टाइम पे, और पूजा तो करना नहीं था तो इसीलिए जैसा नॉर्मल सब दिन चल रहा था एकदम वैसा ही चल रहा था। और 11:30 बजते ही मैं किचन में चली गई, जो कि सब्जी बनाना था और होता है ना लंच बनाने का तैयारी। ये चोखा हम लोग बना रहे थे और देखिए भिंडी का भुजिया और धनिया पत्ता का चटनी, बस यही मतलब कि एकदम सिंपल खाना, दाल भात चोखा, एकदम बिहारी खाना था। दाल भात चोखा, भिंडी का भुजिया, धनिया पत्ता का चटनी, बस यही मैंने लंच बनाया। फिर मैं चली आई छत पर क्योंकि मौसम थोड़ा सा सही लग रहा था, क्योंकि मैं तो थक भी गई थी, पता नहीं एकदम व्रत में थोड़ा सा थकावट लगता ही है, काम होने के बावजूद भी थकावट लगता ही है। तो मैं इधर छत पे चली आई थी थोड़ा टहलने के लिए, थोड़ा सा मतलब होता है कि अंदर में अजीब अजीब सा फीलिंग आने लगता है, इसीलिए मैं चली गई थी। तो फिर अभी आप देख सकते हैं मैं अभी तैयार क्यों हूँ, क्योंकि मैं अभी नहा करके निकली हूँ और शाम के 7 बज रहे थे, तो इसलिए इतना गर्मी हो गया था ना कि क्या ही बोलूँ। अब मुझे नहाना पड़ा, बहुत पसीने आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं फिर से नहा लेती हूँ। और ये आप देख सकते हैं शाम के टाइम पे, अब जब नहा लिया तभी हवा चलना भी स्टार्ट हो गया, लेकिन दोबारा जितना भी धरती पर इंसान है दोबारा नहीं नहाना चाहिए, लेकिन मैंने नहा लिया था। और मैं किचन में जाने से पहले मैं अच्छा नहा के, क्योंकि इतना गर्मी लग रहा था, मुझे रोटियाँ भी बनाना था, थोड़ा कम ही रोटियाँ बनाना था क्योंकि अभी थोड़ा कम ही लोग थे घर में, तो इसीलिए मैं फटाफट से जल्दी जल्दी मैं रोटी बनाने लगी, क्योंकि अगर कोई आ जाता किचन में इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाती, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ बनाने भी लगी। और आज का व्रत कैसा था आप लोग का मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सिर्फ व्रत की हूँ। पूजा तो ऐसा जो होता है सज धज के जो पूजा किया जाता है, साल में एक लेडीज़ साल में 2 बार ही सजती है, एक वर पूजा में और एक तीज में, और उसके अलावा इतना अच्छे तरीके से दुल्हन के तरीके से नहीं सज पाती है। तो यही एक मौका होता है जो सजने का, जो ये मौका इस साल मुझे नहीं मिलेगा। और आप देख सकते हैं कितना मैं, ये थोड़ा वीडियो स्पीड है, वैसे इतना स्पीड में भी नहीं लेकिन वीडियो स्पीड है। और मैं जल्दी से रोटियाँ बना के मैं किचन से बाहर निकलने ही वाली थी, तो ना गर्मी था ना कि नहीं पूछिए, एकदम लग ही नहीं रहा था कि मैं नहा के आई हूँ। अब वापस से एकदम वैसा ही था जैसा हो गया था, जैसे मैं पहले थे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा ना किचन में आने के बाद थोड़ा चक्कर चक्कर भी लगने लगता है, व्रत में ऐसा होता है। तो गाइज़ ये अच्छा हुआ कि ये तीज नहीं था, क्योंकि इतना गर्मी था और प्यास से एकदम गला सूख रहा था कि मैं क्या बोलूं, और मैं बात बात में पानी भी पी ले रही थी। और मैं फाइनली मैं निकल के आई किचन से, इतना पसीना हो रखा था ना कि मैं क्या बोलूं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अब रात भी हो चुका है काफ़ी। और फिर आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि सिर्फ आज व्रत का ही वीडियो था, सो मैं कुछ खास नहीं कर पाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।